बाहर को फूल बरसाओ मेरा महबूब आया और सुनाओ। आँखों ने देखी है सुबह। अब मैंने ये सोच रहा हूँ फ्लैट में एक ही जगह रह लेंगे, इन बच्चों को भी पता लग जा, ये नीचे रह लेंगे हम ऊपर रह लेंगे, तुम भी अकेली हो मैं भी अकेला ही हूँ, सिंगल सिंगल दोनों। ये बताओ क्यों नहीं मानती तुम, ऐसे क्यों कर रही हो तुम? मुझे एक बार मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जानते हो तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, समझा ना? मैं जानता हूँ तुम्हें, मैं तेरी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा अगर ऐसी बात है तो। ये ध्यान रखिए, समझा नहीं? मैं बहुत माइक क्या लगा रखा तुमने, मुझे इतना बता दो उनका बिजनेस छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? मैं बेटे तेरे दिमाग में कुछ गलत फहमी है क्या? अरे क्या गलत फहमी है? अरे मैं अभी से नहीं, बहुत टाइम से बहुत लोग कह चुके हैं मेरे को ये चीज, मैं इरिटेट हो गया हूं सुन के। किसी ने तेरे काम भर दिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, समझा? तू मेरा दामाद है, ऐसे मैं हरकत नहीं कर सकता। देखो देखो ससुर जी, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये कोई वो नहीं होते बेटा, ऐसी बात नहीं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को हाथ नहीं जुड़वाने, मेरे को हाथ नहीं जुड़वाने, मैं इतना कह रहा हूँ, मेरी मम्मी का पीछा छोड़ दो, अभी भी कह रहा हूँ आखिरी बार, ठीक है? क्योंकि अब जो लेवल है ना बहुत ज्यादा सर से ऊपर जा रहा है पानी, क्या लगा रखा है इतने टाइम से? ये आराम से बात कर, तसल्ली से बात कर, नॉर्मल बात कर, चिल्लावे मत ना, समझा नहीं? जो तेरे दिमाग में कुछ फतूर है, ये गलत फहमी किसी ने भरी है, ऐसी कुछ नहीं, समझा नहीं? अच्छा गलत बात मतलब ये गलत फहमी है? गलत फहमी है। मैं ना आखिरी बार कह रहा हूँ, मम्मी का पेपर छोड़ दो, ये दिख रहा ना, ये डाइवोर्स के पेपर है, ठीक है? अगर मेरी मम्मी पीछा नहीं छोड़ रहा तो ये डाइवोर्स के पेपर ना बेटी को दे दूंगा, ठीक है ना? डाइवोर्स दे दूंगा अभी मैं। ऐसा हरकत क्यों कर रहा भाई? भैया बैठो बैठो बैठो, आपने इसको समझाया नहीं था क्या पहले? यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, आप दोनों लड़े जा रहे हो, मैं वीडियो कब बनाऊंगा? इसको समझा के लाए थे आप? वीडियो कौन सी वीडियो? रुक जा भाई मेरी बात सुन, गुस्सा मत कर, और सामने देखो उधर कैमरा चालू है, इसीलिए मैं तुझे बुलाया गया है यहाँ पे। अरे ये क्या लगा रखा है? तुम्हारी आंखों देख ही दिखाऊंगा मैं तुम्हें, तुम जो इतने गर्म हो रहे हो भाई, तुम मेरी बात समझ, तुम बैठ जा पहले, बैठ दो मिनट बैठ, उठा ले पेपर उठा ले, ये सब तुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब असलियत जाना होगी। क्या बैठो भैया, असलियत क्या है? अगर तुम जान गए ना, तुमको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असलियत मेरे को पता है, ठीक है? मेरी माँ गलत नहीं हो सकती। तुम्हारी शादी कितने साल पहले हुई? अभी मेरे को 2 साल हो गए शादी के। 2 साल को ना, कितने दिन से जानते हो इसकी माँ को? 30 साल से जानता हूँ। समझ में आ रहा है? 30 साल से जानता हूँ। 30 साल से? 30 साल से? 30 साल से जानता हूँ। अब सुन बात, ये क्या लगा रखा है ससुर जी? क्या क्या कह रहे हो आप? ये बात बताइए पहले आपने मेरे को कभी। अब सुन ले मेरे से, मैं 30 साल पहले उससे प्यार कर चुका हूँ, स्कूल के कॉलेज के टाइम में, समझा नहीं? इसलिए तुम्हारी शादी करी गई, जो हम दोनों एक साथ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो भाई, आप हो कौन ये बताओगे? और ये क्या बोल रहे हैं आप? तो मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं देखो वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? जो इंसान बेगुनाह है वो अपनी बेगुनाही को यहाँ पे साबित करता है, वो भी कैमरे के सामने। मेरी वीडियो पे व्यूज आती है मिलियंस में, ठीक है? लाखों लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, किस लिए? क्योंकि कोई इनोसेंट फंसा ना जाए। तुम किसी इनोसेंट को डिवोर्स ना दे दो इस चीज़ से बचने के लिए। तुम्हारी माँ भी इनसे प्यार करते हैं। श्वेता तुम्हारी माँ का नाम है ना? इस भैया ने बोला मुझे ऐसा ऐसा चीज़ें मेरे साथ हो रहा है। मेरे दामाद को सब कुछ पता चल गया, क्योंकि मैं 30 साल से प्यार करता हूँ, लेकिन उसे लगता है कि मैं उसको माँ को तंग करता हूँ, यही लगता है ना तुम्हें? हाँ ये लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ को चेप होता है, तुम्हारी माँ से आसकी लड़ा रहा है, तुम्हारी माँ से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, यही तुम्हें पता है ना? ये जब तुम्हारी माँ इसके पास, और ये जो कपड़े पहने हैं ना इसने, तुम्हारी माँ की फेवरेट है ये कपड़े, इसलिए इसने पहने हैं ऐसे कपड़े ताकि तुम्हारी माँ खुश हो सके। वो भी मैचिंग से पहनते हैं हम, देख लेना। देखो चीज़ों को समझो, गुस्सा मत करो। अभी देखो जो चीज़ ये बताएंगे ना, उस चीज़ को सुनना, फिर मैं तुमसे भी कुछ क्वेश्चन करूँगा, उस चीज़ का जवाब देना, बस इंटरव्यू हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर तुम्हारी माँ आएगी, जो भी है सामने से पूछ लेना, ठीक है? स्टार्ट करूँ भाई? करूँ? ठीक है ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं मासूम और हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे रोहन भाई, और इस साइड राजन भाई बैठे हुए हैं। राजन भाई का जो प्यार है ना, 30 साल पुराना है। एक औरत है जो एक टाइम पे बहुत खूबसूरत लड़की थी, जो भैया हैं बहुत हैंडसम थे पहले, अपने कॉलेज टाइम से उनसे प्यार करते हैं, कभी एक दूसरे को इजहार भी किए, लेकिन शादी नहीं हो पाई। उनकी शादी किसी और से हुई, इनकी शादी किसी और से हुई, और किस्मत देखो ऊपर वाले का, गॉड ने ऐसा प्लान किया कि उनके हस्बैंड नहीं है और इनकी वाइफ नहीं है,
तो इनकी एक बेटी थी जिनसे इनकी शादी हुई, यानी कि इनका पुरानी जो गर्लफ्रेंड थी उनके बेटे से शादी हुई। अब इन बातों में कितना सच्चाई है मैं एक बार रोहन से बात करूंगा। रोहन एक चीज़ बताओ, सबसे पहले अपना नाम बताओ और तुम्हारी शादी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है, और उस लड़की का नाम क्या है? मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है, ठीक है, और उसका नाम है वैशाली। अच्छा, वैशाली नाम है उसका, और ये वो इनकी बेटी है जैसा कि पता है आपको, पता दो साल में तुम्हारी बेटी, सॉरी तुम्हारी जो बीवी है, हाँ जी, कोई इस तरह उस तरह का काम तो नहीं हुआ ना उसके साथ? नहीं, अभी नहीं हुआ। कोई ऐसा अफेयर तो नहीं चल रहा है ना? नहीं नहीं नहीं। तो फिर भाई डिवोर्स का पेपर क्या देने का मतलब बन रहा आज तुम्हें, किस चीज़ का गुस्सा है? गुस्सा सब इस चीज़ का है कि मतलब मैंने कुछ टाइम से सुनाई में आ रहा था कि ये मेरे मम्मी का पीछा करते हैं, मैं समझाने के लिए आया था इन्हें, लेकिन अगर ये समझ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं इनकी बेटी को डिवोर्स दे दूँगा, क्योंकि एक बाप की गलती, एक बाप की गलती उसकी बेटी पे क्यों दोगे? मैं बात कर रहा हूँ भैया, रुक जाओ। एक बाप की गलती उसकी बेटी पे क्यों दोगे? उस बेटी को तो कुछ पता भी नहीं है। क्यों, तुम्हें क्या लगता है उस लड़की को तकलीफ दोगे तो इसे तकलीफ होगा? पता नहीं है ना, तो एक बार बता दूंगा, लास्ट बार ही बताऊंगा, लास्ट बार डिवोर्स दे दूंगा अगर ये नहीं माने तो। अगर तुम्हारी माँ भी इनसे प्यार करेगी, कर रही होगी या कर रही थी, तो फिर तुम क्या करोगे? अरे मुझे, मैं ये मान ही नहीं सकता, मेरी माँ मेरा प्यार करती है। अगर बाय चांस अगर वो करती होगी तो तुम क्या करोगे? अपनी माँ को छोड़ दोगे तुम, जैसे तुम अपनी बीबी को छोड़ रहे हो? भाई जो एक मानने वाली बात होती है, जब मेरी माँ प्यार ही नहीं कर सकती। अरे मेरे पापा जब से गुजरे हैं ना, मेरे पापा से प्यार करती है, अभी पापा से प्यार करती है। देखो भाई, मैं इतना सा बताऊँ, प्यार का ना एज होता है, ना उम्र होता है, ना पैसा होता है, ना कुछ होता है। प्यार कुछ नहीं देखता, ना कलर देखता है, प्यार प्यार होता है, ठीक है? अब तुम्हारी माँ भी अगर इससे प्यार करती जैसा इसने बताया है, तो फिर तुम क्या करोगे? इसका जवाब दे दो, बस मुझे इतना ही जवाब चाहिए। तुम रहोगे अपनी माँ के साथ या नहीं रहोगे, या उसे सपोर्ट करोगे शादी के लिए? मैं नहीं रह पाऊंगा फिर अगर ऐसी बात, तो पागल मत बनो, ठीक है? आगे से मैं यही एक तुम्हें राय दूंगा छोटे भाई की तरह, कि भाई अपनी माँ को सपोर्ट कर, तुम्हारी माँ भी अकेला है और ये भी अकेला है, सब परिवार एक जैसा हो जाओगे। कन्फर्म थोड़ी हुआ है, ठीक है? मैं कन्फर्म होगा भाई, देखो तब की तब देख लेंगे, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। राजन जी एक चीज बताओ, कितने साल से जानते हो आप श्वेता जी को? भैया मैं 30 साल से जानता हूँ और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, हमारी प्यार मोहब्बत जरूर से ज़्यादा हो गई थी, ठीक है ना? तो उनका हस्बैंड गुजर गया, मेरी वाइफ गुजर गई, उनका बेटा हो गया, मेरी बेटी होगी, तो हम मिलने चिनने के चक्कर में इनके एक दूसरे की शादी कर दी, ठीक है ना? अब इस मेरे दामाद को हो रहा मेरे पे शक कि आप तंग कर रहे हो। तंग कर रहे, प्यार तो जबकि हम पहले ही करते हैं, तो हम ये सोच रहे एक ही जगह हो जाए, सबको पता लग जाए, तो एक ही फ्लैट में रहे, एक ही जगह रह लेंगे ऊपर नीचे। मतलब आपका इरादा गलत नहीं है, आप चाहते हो कि किसी तरह उस चीजों को अपना ले और एक परिवार हो जाए, बस जो बिखरा परिवार। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो कितने दिन में आ रही है यहाँ पे? आ जाएगी, कॉल कर दूँ, आ जाएगी। आ रही है ना भाई, आपको मेरे साथ चलना होगा। आपकी माँ इनसे क्या बात करती है नहीं करती, बात करने दो, फिर उसके बाद डिसाइड करना तुम्हें क्या करना है, ठीक है? मेरे साथ चलो, उठो आप। बाहर हो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया, और सुनाओ। बढ़िया। और सुनाओ समदन जी, कैसी कट रही है आपके? बढ़िया कट रही है, आप बताओ। बस बढ़िया, हमें तो तुम्हारी याद आती रहती है। अच्छी अब बात है ना, याद करोगे तो याद रखोगे भी। आज कैसे मुरझाशी हो आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लग रहा है मेरे को ऐसी नहीं, कोई बात होगी क्या? नहीं ऐसा कुछ। चलो कहीं घूमने फिरने चल रहे? अभी नहीं, चलेंगे एक आध दिन में चलते हैं। कब चलो? बताओ कहाँ लेके जाओगे? अरे मॉल में चलेंगे, कहीं फिल्म विल्म देखना, कुछ ना कुछ चलेंगे, होटल वगैरह में कहीं ना कहीं चलेंगे। चलो ठीक है, चलेंगे फिर। और बताओ, बढ़िया हो? हाँ बढ़िया। और बताओ, बस क्या चल रहा है? आप बताओ कैसा? बस मौसम चल रहा है, तुम्हारी याद आती है, आपसे बात कर लेते हैं, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं मिलने का बिल्कुल भी। अब घर में बहू है, बेटा है, तो कहाँ टाइम निकलता है, आपको पता ही है। अच्छा तो और बताओ, रोहन कैसा है? ठीक है, बढ़िया। बेटी कैसी है? सब बच्चे अच्छे हैं, सब बढ़िया है। जैसे रोज मिलती थे तो मैं ऐसे नहीं बात कर रही, आज तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा, क्या बात है? थोड़ा सा घर में कुछ बात हो गई थी। क्या बात होगी? अरे बात बस ऐसे ही यार। अरे बताओ ना यार, पता तो है रोहन का थोड़ा नेचर ऐसे ही है, थोड़ा तो गुस्से वाला। क्या कह रहा है वो? आपस में लड़ाई हो गई थी दोनों की, मियां बीवी की। हां मैं थोड़ा बोली तो गुस्सा हो गया, बस वही थोड़ा सा मूड खराब है और कुछ नहीं। आप बताओ। अब मैंने ये सोच रहा हूं फ्लैट में एक ही जगह रह लेंगे, इन बच्चों को भी पता लग जा, ये नीचे रह लेंगे, हम ऊपर रह लेंगे, तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला ही हूँ। हाँ। सिंगल सिंगल दोनों।
आज नहीं पता लगेगा, पता तो लगेगा ही, जब तक पता नहीं लगेगा जब तक हम एक कैसे होंगे ये बताइए। बस यही थोड़ा सा टेंशन है ना, क्या करूं बताओ। तो करना पड़ेगा, ये कैसे परेशान है यार। अरे नहीं यार, कुछ आज नहीं पता लगेगा, कल पता लगेगा, कभी तो पता लगेगा, ये बताओ। वो बात तो तुम्हारी ठीक है यार, लेकिन ये अब उम्र नहीं रही ना, क्या क्या, क्या अच्छा लगेगा क्या बच्चों के सामने ये चीजें। यार क्या रखा आज के टाइम में, तुम भी सिंगल मैं भी सिंगल, 30 साल से प्यार कर रहे हैं हम, तुम इधर उधर हो रही, तुम कैसे हो वो होगी, समझ नहीं रही ना बात। क्या नहीं समझ रहा हूँ, कल को दिक्कत हो जाएगी घर। फ्लैट लिया है, एक ही जगह रहेंगे दोनों, एक जगह रहेंगे, नीचे बैठी दामाद ले लेंगे। ठीक है चलो देखते हैं, करते हैं रोहन से बात करनी पड़ेगी यार, कैसे बात करूं, मेरे को यही तो समझ में नहीं आ रहा यार, रोहन से बात करती है। आप ही बताओ ना कैसे बात करूं मैं, कैसे बताऊं चीजें। तुम्हारे दिमाग में नहीं रहा क्या, अरे दिमाग नहीं है क्या, बोलो खुल के बोलो, किस चीज कर रहे आपको ये बताओ। अरे उम्र उम्र कुछ नहीं यार, क्या बातें करती हो, कैसे बात क्या करती हो, ये उम्र थोड़ी है यार इन सब चीजों की, भाई करना तो पड़ेगा ये बताओ। रोहन को पता लग गया ना तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करे, अब मुझे ये सोच सोच के डर लगता है। भाई जब पता लगेगा तो तू मैं होगी, उसे समझाएंगे प्यार से, बातें करेंगे, सारे काम हो जाएंगे, क्यों टेंशन ले रही हो तुम। वो कहने की बात होती है, टेंशन मतलब टेंशन होती है भाई, तुम समझ नहीं रहे। अगर टेंशन होगी जब तो अपना वो होगा, तभी तो एक जगह रहेंगे यार, ये बताओ। तुम्हें अपनी समझ आ रही है, मेरे को दोनों बच्चों की समझ आ रही है, क्या करूं मैं, कैसे करूं। मतलब प्यार भूल गई थी ना टाइम का, भूली होती तो मैं यहाँ नहीं होती ना। तो फिर प्यार तो रिलैक्स हो ना, तुम तो एकदम घुटी घुटी सी दबी दबी से रह रही हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो, देखते हैं करते हैं। तो यार बात करो ना। करती हूँ। हाँ अब यार कैसे बात करूँ, मेरे को एक तो समझ भी नहीं आ रही। जब समझ में आएगी तभी कैसे बात, सीधा खुल के बात कर भाई, सीधी सी बात। अगर हमें एक जगह रहना तो उनका ठीक है भाई, ये पीछे नहीं करते थे, हम 30 साल का प्यार है हमारा में, इसलिए इनके इनके बेटी हो गया, मेरा बेटा हो गया, इसलिए तुम्हें एक जगह जोड़ने के लिए, फिर हम एक जगह रहेंगे। तुम्हारी बात सारी समझ में आ रही है, लेकिन ये शादी वादी का कोई चक्कर क्या है, शादी कोई अच्छे लगे क्या इस उम्र में, ये मुझे बताओ, इस उम्र में शादी अच्छी लगेगी क्या, और क्या अच्छा लगेगा बताओ। फिर बदनाम वैसे हो रहे, हम इतनी दुनिया जानती है, बच्चों को भी पता लगा, बता पता लग गया तो फिर क्यों टेंशन ले रही हो तुम तो पता नहीं क्यों डर रही हो, डर लगता है। अरे डर कब तक लगेगा, एक ही बार क्लेश काट दो ना, ये बताओ बोलेगा समाज क्या, जब पहले मिलते थे प्यार मोहब्बत करते थे, जब नहीं अब क्यों डर रही है, ये तब की बात हो रहा है, तब हम जवान थे इतने साल। तो आप कौन सा बुढ़े हो गए, तुम हो गए होगी बुढ़े, अभी तो बच्चा जवान है, तुम तो कभी समझे नहीं तुम्हारे, तुम तो इतने सालों से आज भी वैसे के वैसे ही हो। सुविता जी जो भी होगा देखा जाएगा, बच्चों को बताओ। अरे यार आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, करेंगे तो सही, तुम क्यों डर रही हो ये बताओ। मैं इसलिए डर रही हूँ कि कल को भगवान ना करे उनके रिश्ते पे कोई आंच ना जाए हमारी वजह से। देखो हमारी तो उम्र निकल गई, अब तो बच्चों की उम्र है, यार, अच्छा नहीं लगता। यार एक बात बताओ, सुनो कब तक ऐसे रहोगे आप, और कब तक मैं भी रहूँगा, कब तक अपने हाथ से रोटी पकाऊंगा मैं, हैं तुम इसका मतलब मुझे आजकल धोखा दे रही हो, ये इस पे तो धोखा देने वाली क्या तो बात है। तो फिर उनसे बात करो ना, क्यों डर रही हो तुम। अरे यार तुम समझ ही नहीं रहे हो, समझो बच्चों का आके बोलो, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाए, बच्चों का तलाक हो जाए, उन्हें कुछ पता भी नहीं है। कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का, बिल्कुल नहीं होने का। मेरा बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सारा कुछ होता है, कैसे नहीं होता पैसों से। नहीं यार तुम समझ नहीं यार, ये नहीं यार का क्या मतलब होगा, रोहन थोड़ा अलग दिमाग का है। अरे यार समझा देंगे, क्यों टेंशन ले रही हो तुम, अच्छे से समझा देंगे। चलो ठीक है आप कहते हो, तुम ही नहीं, तुम्हारा ही बोल नहीं निकल रहा, तुम्हारे दिल में कुछ गड़बड़ लग रही थी क्या, ऐसा बोलो ना जैसे मैं बोल रहा हूँ, खुल के बोलो। तुम समझती क्यों नहीं ये बताओ, क्यों नहीं मानती तुम, ऐसे क्यों कर रही हो तुम। मुझे मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जानते हो, तुम बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं नहीं करती हूँ तो फिर। लेकिन समझो ना यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो रोहन। यार समझाओ उन्हें बिल्कुल, रोहन को पता लगा ना तो कैसे वो रिएक्ट करेगा, तुम समझ भी नहीं सकते, कितना गुस्से वाला लड़का है वो, तुम्हें पता है यार, उसे हैंडल सारा घर संभालेगा, हैंडल करो उसे, मैं भी समझाऊंगा आप भी समझाओ। नहीं होगा भाई, अभी एकदम से थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे करते करते उसको बताएंगे ना,
मैं हाइपर होने से क्या हो जाएगा मुझे, मैं कितने दिन से प्यार कर रहा हूँ और आज तुम ऐसी बात कर रहे हो। मैंने मना नहीं करा है, तो मैंने कभी साथ छोड़ा है क्या इतने सालों में? इसके पापा के जाने के बाद मैंने कभी साथ छोड़ा है क्या? तुम ही तो हो जिसके सहारे आज मैं जिंदा हूँ। रोहन इतना बड़ा कर दिया मैंने, तुम नहीं होते तो मैं कहाँ होती, कैसी होती, ये तुम्हें भी पता है। मैं तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर अभी रोहन को पता लगेगा तो एकदम से वो हाइपर हो जाएगा। उसे थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे उसको बताते बताते बताएंगे ना चीज़ों को। हमारे तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता, 30 साल हो गए इस चीज़ को, कर तो प्यार। ये बताओ कहाँ जाएं हम, क्या करें? मैं समझ रही हूँ, सारी बात समझ रही हूँ यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम भी तो मुझे समझो ना। मैं तो समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, काफ़ी समझ रहा हूँ मैं तो आपको। कहाँ समझ रहे हो, तुम गुस्सा खा रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो कि रोहन कैसे रिएक्ट कर रहा है। मेरे को डर लग रहा है उसका, अब ये उम्र थोड़ी है क्या बच्चों से अलग रहने की? मैं क्या बताऊँ, बस मेरा तो। और फिर उस गुड़िया का क्या कसूर है मेरे को ये बताओ? अरे उन्हें सब हैंडल कर लेंगे, वे एक जगह रहेंगे, एक फ्लैट में रहेंगे, ठीक है ना? रह तो लेंगे, मैं मना नहीं कर रही। तो उनसे बात करो ना, तसल्ली से बात करो, तभी तो होगी। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ बात करने की। तो मैं करती हूँ कोशिश, तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ। मैं थोड़ा टाइम तो दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, समझा? मैं जानता हूँ तुम्हें, मैं तेरी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा अगर ऐसी बात है तो। मैंने ये ध्यान रखे, समझा नहीं? खड़े तो हो, पीछे हो जा बिल्कुल। माइक क्या लगा रखा तुमने? माँ तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मेरे को, हर चीज से। माँ मैं गलत बन रहा हूँ, मैं ही परेशान हो गया बिल्कुल ही। क्या हो गया तेरे को, तू ऐसे ऐसे हाइपर क्यों हो रहा है? क्या हो गया? तार जगह पे माँ, क्या हो गया इधर? अरे मेरी माँ, मैं हाथ छोड़ दो मेरा। ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ, बता क्या कर दिया मैंने? हैं, क्या किया है बता तो सही। ये क्या किया, हर चीज गलती कर रखी तुमने। क्या गलत कर रखा है मैंने, मेरे को ये बता। वो मेरे ससुर है, तुम क्या कर रही हो उसके साथ? वो तेरे ससुर आज है, मैं उसको 30 साल से जानती हूँ, कॉलेज टाइम से जानती हूँ मैं, पता तेरे को? तुम कॉलेज टाइम से जानती हो, तुमने एक बार बताई मेरे को ये सब चीज, एक बार ही बताई मेरे को। तुझे क्या बताती मैं? हाथ छोड़ दो मेरा। क्या बताती तुझे मैं? क्या बताती? अब ये मेरे को पता लग रहा है, मेरे को बुरा ही लग रहा होगा। मैं ना इसी चीज से डरती हूँ, यही मैं आपको बता रही थी। निम्मा हाथ छोड़ दो मेरा, ये क्या लगा रखा मैं तुमने? क्यों गुस्सा हो? तुमने एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा क्या? तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है मेरे को? मां दूर हो जाओ, ये क्या लगा रखा है? एक बार तो सोचती मेरे, मत कर ऐसे। मां दूर हो जाओ बिल्कुल, वो तुमसे बात करने में शर्म आ रही है अब। अच्छा अच्छा, सुन तो समझ तो बात को रोहन, ऐसे मत करना, सुन मेरी बात को। इतनी बड़ी बात छुपाई मेरे से और उल्टा मेरे को समझा रही हो, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा ये जान के? मैं तेरे को कैसे समझाऊं सारी चीजों को? मेरे को समझाने की जरूरत नहीं कुछ, आपको लगता है मैं ये चीज एक्सेप्ट कर लूंगा? ये चीज मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ? यही चीज मैं तुम्हें बोल रही थी, अब खुश हो? अब क्यों नहीं बोल रहे हो, सर पे हाथ रख के बैठे हो राजन? अब बताओ मैं क्या करूं, परेशान हो गई हूं मैं। आप कुछ मत करो, मैं ही कर देता हूं, ठीक है? एक चीज, ये डिवोर्स के ये पेपर जो लेकर आया हूं ना, मैं डिवोर्स के पेपर ना उसे वैशाली को दे दूंगा। नहीं, वैशाली से तू डिवोर्स नहीं लेगा। और क्या करूं मैं? जो मत कर, तो ऐसे नहीं होगा। ये गलत कर रही हो बस, मैं इतना कह रहा हूँ, ये बहुत गलत कर रही हो अभी भी। तेरे को क्यों समझ में नहीं आ रही, मेरे को एक बात बता, इधर मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ऐसे नहीं होता ना बेटे। उसमें उसका क्या कसूर है जो तू मेरे को एक बात बता? अच्छा ठीक है, तुझे मैं गलत लग रही हूँ, ठीक है, पर मेरी बात सुन, आज जब तू छोटा सा था ना, 4 साल का, जब तेरे पापा छोड़ के गए थे, मैंने लोगों के घरों में बर्तन धो के तेरे को स्कूल भेजा है, रोटी पूरी की है। इस इंसान को ना मैं तब से जानती हूँ, जब तेरे पापा से मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब हम कॉलेज में पढ़ते थे, मैं तब से जानती हूँ। तो ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई मेरे को? क्या बताती मैं तेरे को बेटा, क्या बताती तेरे को मैं, मेरे को ये बताई, ये चीज़ें बताने वाली होती हैं क्या? तो अब छुपाया तो मेरे को और बुरा लग रहा है ना, पहले तो से ज़्यादा बुरा लग रहा है मेरे को। अरे बात कर रही हो तुम बर्तन धोने की, अरे बर्तन धोना ही काम है क्या? थोड़ा सा मेहनत और कर लेती और अच्छा काम मिल सकता था, ये बहाना मिला मेरे को बोलने का? नहीं मिलता बेटा, तेरे को क्यों नहीं समझ में आ रही है? तू समझ तो सही, उस समय के हालात और अब के हालात में फर्क है,
आज तुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती थी उस टाइम? उस टाइम नहीं थे ऐसे हालात हमारे। नहीं देखो, कुछ भी हो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता ये सब चीज़। ना परिवार ने ना किसी और ने साथ दिया, अगर ये इंसान नहीं होता ना तो शायद आज हम दोनों जिंदा भी नहीं होते। तेरे को समझ नहीं पड़ेंगी चीजें। तू एक बार बोल दे मैं तेरे लिए, मैं तेरे को नहीं छोड़ सकती, मैं इसको छोड़ दूंगी। प्यार अपनी जगह है लेकिन परवरिश अपनी जगह, बच्चा अपनी जगह है। मैं नहीं छोड़ सकती तेरे को। बेटा इतने बात नहीं मान सकते तुम, ये बताओ। तुम चुप हो जाओ राजन, तुम मत बोलो प्लीज। ऐसा है ना, अभी अभी सुन लो, ऐसा है माँ पहले हार डाओ। देखो मेरे को ना तुम्हारी सुननी है ना इनकी सुननी है, ठीक है ना? मेरे को तुम्हारे साथ रहना है ना, मेरे को वैशाली के साथ रहना है ना, मेरे को इनके साथ रहना, मेरे को किसी के साथ नहीं रहना, ठीक है? अकेले रह लूंगा मैं। मत कर यार, ऐसे मत कर। अब जो होगा ना, अब जब डिवोर्स वगैरह दूंगा ना तब पता लगेगा सबको। नहीं ऐसे, अरे मां हाथ छोड़, मत जा ऐसे, छोड़ के मत जा। अरे नमस्ते आंटी, बैठो बैठो, आप बैठो, रो मत। क्या कर, सब कुछ सामने आएगा। तुमने क्या बोला था? जब सब कुछ सामने आएगा तो मां को सपोर्ट करूंगा बोला था ना भाई? मैंने बोला था मैं सोचूंगा, लेकिन भाई क्या करूं, मेरा मन नहीं मान रहा ना। बैठी था तू, पता है भीख मांग रहा होता किसी कोने में जाके कटोरे लेके, किसी स्टेशन पे, कहीं मार्केट में, ठीक है? ये डिवोर्स की बात कर रहे हो ना तू? डिवोर्स दे रहा है इनोसेंट लड़की को, डिवोर्स दे रहा है। तू जैसे कहेगा ना मैं करने को तैयार हूं। तुम्हारी मां तू कहेगा ना मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। आंटी जी आप क्यों सैक्रिफाइस करोगे? ये करेगा सैक्रिफाइस, इसके जाना है ना, जाए जाना, तू जा। जिंदगी भर ठोकरे खाई ना ये तेरे लिए, हाँ? अपने प्यार को दबा के रखी, छुप छुप के मिलते रही, किसके लिए? तेरे लिए, तेरे इज्जतों के लिए। आज चलो किसी के थ्रू ही पता चला, सच पता चला, ना कि कुछ झूठ है इन दोनों के बीच, समझा? एक सच्चाई है इन दोनों के बीच, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और दूसरी सच्चाई यही है ये शादी करना चाहते हैं, वो भी किसकी खुशी की वजह से? तेरे खुशी की वजह से, ताकि तू मान जाए, नहीं तो ये कर सकते थे? नहीं कर सकते थे? बता, कोर्ट मैनेज करने में तू कुछ कर लेता? कर लेता कुछ? अरे मैंने तब अपनी बीबी को खुश रखता, और वो कमा तो रहा है ये, तुम्हारी माँ को खुश रखता। मैंने तब नहीं की बेटा, जब तू छोटा सा था, तो अब मैंने क्या करना है? मेरे को तू चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए कुछ। क्यों राजन जी, आप एक चीज बताओ मुझे अंकल, आप अगर इससे कितनी बार बोले हैं कि कोर्ट मैरिज कर लो, कितनी बार? काफी बार बोले, मगर बच्चों की वजह से रह जाता था। क्या बोलती थी इसकी मम्मी श्वेता जी, क्या बोलती थी? इसका नाम लेके चुप हो जाती थी कि रोहन बेटा मेरा जब तक नहीं मानेगा, जब मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कौन? रोहन बेटा। लेकिन रोहन बेटा को क्या है? सेल्फिश समाज, ये चार लोग जो है ना तेरा पीठ पीछे तेरे लेते हैं। मत बोलो आप कुछ, नहीं, मत बोलो। नहीं नहीं मैडम, जो 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 इसको अच्छा लगेगा वो करेगा। खाना नहीं खिलाएंगे, तुम्हारी माँ खाना खिलाएगी, और तुम्हारी बना के खिलाएगी, और तुम्हारा ससुर तुम्हारे बुरे वक्त पे काम आएंगे। उस बच्चे की तो कोई गलती भी नहीं है। भाई आंखें खोलो रोहन, पूरा परिवार एकजुट हो सकते हैं। एक फैमिली तितर बितर है, एक बच्चे को माँ मिल, एक बेटी को बाप मिल जाएगा, और तुम्हें भी बाप मिल सकता है। देख लो, मैनेज करो इन चीजों को। हम समझ सकते हैं मुश्किल है, लेकिन ये चार लोग तुम्हें खाना नहीं खिलाएंगे। डिसाइड करो, ये डिवोर्स वोर्स का ना लफड़ा छोड़ दो मेरे भाई। बेटे मान जा जो वे कह रहे हैं, समझ जा बात को, सब एक जगह रहेंगे, एक परिवार में रहेंगे, सोच लो, ठीक है भाई? मैं लेकिन देखो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखो जैसे कि देखो मेरे पापा थे पहले, देखो मैंने अपने पापा को अपने आंखों के सामने देखा कि मेरी माँ को प्यार से रखते थे, ठीक है? देखो मुझ पर तो देखो इतना, मैंने उनको इतना तो रहा नहीं हूँ मैं उनके साथ। देखो मैं कुछ टाइम उन्हें देखूंगा। तुम्हारी बीवी अपने बाप के बारे में तो बोलती होगी ना भाई, कैसे हैं उसके बाप? वो बोलती है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम मैं एक बार देखना चाहता हूँ अपने आंखों से, कुछ दिन मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है? तो हाँ ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इस चीज़ के लिए आपको अपनी बेटी से ही बात करना पड़ेगा, कि मेरे अकेले बात करने से नहीं होगा। हाँ सही बात, ठीक है, आपकी बेटी मानेगी? आपको लगता है आपकी बेटी मानेगी? मेरी बेटी मान जाएगी, पक्का? बिल्कुल मान जाएगी। हाँ इसका यही कंडीशन है, थोड़ा सा हिंट मेरी बेटी ने दिया। अगर इसकी बेटी मान जाती है तो तुम रेडी हो? हाँ फिर रेडी हूँ। हाँ बेटी मान गया, क्लियर हो गया। बस मैं चाहता हूँ एक बार वैशाली के साथ बात कर ले, एक बार हाँ बैठ के बात कर ले, ठीक है भाई? बस इतना चाहता हूँ, देखो वैशाली के सामने एक बार बात होगी, जो डिसीजन निकलेगा आगे वैशाली जैसा करेगी उसमें खुश है, ठीक है माँ? अब जैसा तेरे को ठीक लगे मैं उसी में राजी हूँ। माँ देखो मैं तो मैं रोता हुआ देख नहीं सकता, देखो तुम मेरे सामने रो रही हो, देखो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। माँ चुप हो जाओ, चलो चुप हो जाओ माँ, देखो मेरी बात सुनो, चलो मैंने इतना बोल दिया, एक बार बात कर लेंगे वैशाली से, बात कर लेंगे,
ठीक है, बात करने के बाद चलिए ठीक है रह लेंगे सब साथ में, जैसा भी होगा करके रह लेंगे। ठीक, चुप हो जाओ। ठीक है माँ चलिए एक बार। ठीक है भाई मैंने बोल दिया एक बार, अब देखते हैं वैशाली से बात करते हैं। ठीक है बात करना था उनको वैशाली से। बाकी अंकल ठीक है ना? ठीक, अपने बेटी से बात करो पहले, तब जाके हाथ होगी जो भी होगी, शादी वादी होगी, एक जगह बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है।